हमारे पूर्वजों के हिसाब से जी लगभग 500 साल पुराना है जी। अच्छा, हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे दोस्तों, पुराना पेड़ है, करीब दोस्तों 500 वर्ष पुराना। और ये देख सकते हैं आप कितना पुराना पेड़ है, और इसकी खासियत भी दिखाऊंगा। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है जिला मुजफ्फरनगर, तहसील जानसठ, गांव इसका खेड़ीसराय पड़ता है दोस्तों। तो आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं और पेड़ को दिखाता हूँ दोस्तों। आइए चलिए। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी विशालकाय पेड़ है। और इसका जो है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक पुराना दरगाह टाइप है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और ये किस तरीके से ये दोस्तों बना है इसमें, तो आपको दिखाता हूँ। इसका ये मानना है दोस्तों कि 500 साल पुराना पेड़ है। और आप देख सकते हैं किस तरह इसकी बनावट है, जो दरगाह है दोस्तों, ये इसके चारों तरफ से किस तरीके से इसकी जड़ें निकली हुई है, ये आप देख सकते हैं। और जो पुरानी दोस्तों पुरानी कारीगरी इसमें आज भी दिखाई देती है, ये आप देख सकते हैं। पुरानी कारीगरी बहुत ही पुरानी कारीगरी है दोस्तों, और किस तरीके से ये जकड़ा हुआ है पेड़, आप देख सकते हैं। और कितना विशालकाय पेड़ है। तो ये बाहर से दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और मैं अंदर से भी आपको दिखाता हूँ इसे। और इसकी बनावट ये आप देख सकते हैं, इस तरह की ये बनावट। और अंदर से मैं दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार अंदर से दोस्तों ये है। तो ये देख सकते हैं आप, जो ऊपर का छपाव है दोस्तों, इसमें ये छोटे छोटे गेट बने हुए हैं, ये चारों तरफ आप देख सकते हैं। तो काफ़ी पुरानी नक्काशी है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, तो किस तरीके से। और दोस्तों ऊपर से भी आप देख सकते हैं, करीब 35 फुट की इसकी ऊंचाई है। अंदर से अगर आप देखें तो 35 फुट की इसकी ऊंचाई है दोस्त, ये देख सकते हैं। और चारों तरफ से ये पेड़ ने घेर रखा है दोस्तों। तो ऊपर भी नक्काशी की गई है इसमें। तो आइए मैं चलता हूँ बाहर की तरफ। तो इस ईदगाह के बारे में हम फुल जानकारी आपको देंगे, और ये कुछ गांव के यहाँ पे बंदे खड़े हैं, और हम इनसे जानकारी लेंगे इसके बारे में। हमें तो काफ़ी इसके बारे में पता नहीं है, तो ये भाई बताएंगे। हाँ, तो इसी गांव के हो भाई आप, तो इसके ईदगाह के बारे में बताओ थोड़ा, ये कितने साल पुराना है? बल्कि ये तो हमारे पूर्वजों के हिसाब से जी लगभग 500 साल पुराना है जी। अच्छा, और जो इसमें पेड़ है इसके चारों तरफ, ये जो इसकी बनावट है जी, ये पेड़ जो इस पे ऐसे ही चारों तरफ फैला हुआ है जी। हाँ, और इसका ऊपर छपा वगैरह? छपा नहीं, इसकी कोई छत नहीं है जी इसके ऊपर। इस पे जो जिन्नात बना रखा ना गाँव के अंदर, जागृत हो गई थी आदमी, इसलिए फिर अधूरी छोड़ दी। अच्छा, तो काफ़ी साल पुराना है, लगभग 500 साल पुराना। तो 500 साल, तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं पेड़ 500 साल पुराना बताया जा रहा है। तो ये कुदरत का एक नायाब करिश्मा दिखाई देगा आपको दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।